नमस्कार दोस्तों, मैं अचित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं गैजेट फ्रीक। तो फाइनली हमारे पास इन्फिनिक्स का नोट 4 आ चुका है। नो और काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, इनके सब ब्रांड्स हैं, ये अलग अलग ब्रांड्स में बिलीव करती है। ये कंपनी नए नए फोन से नए नए ब्रांड्स के साथ लॉन्च करने में बिलीव करती है। तो इसका हम आपको एक अच्छा एक फुल एंड फाइनल एक अच्छा रिव्यू देने वाले हैं। तो आज सिर्फ इसमें एक अनबॉक्सिंग होने वाली है। अनबॉक्सिंग में बताएंगे आपको इनसाइड द बॉक्स क्या मिलने वाला है और इसकी प्राइसिंग क्या है। अगर फ्लिपकार्ट भी आप लेते हैं तो आपको बायबैक में अच्छा ऑफर मिल जाएगा। अगर कुछ मोटरोला या फिर सैमसंग के डिवाइसेस से करते हैं तो आपको 3,000 या 2,500 रुपये पे करने पर आपको एक बायबैक इसमें अच्छा प्राइसिंग मिल जाएगा और आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और जहां तक बात है इसकी सर्विस सेंटर और इन सारी चीज़ों की, तो डेफिनेटली सर्विस सेंटर्स इसके ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया में आपको सभी जगहों पर, सारी छोटे शहरों में आपको कहीं ना कहीं एक दो या दो आपको सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे देख लेते हैं कि इनसाइड द बॉक्स में क्या मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करें कुछ सवाल या सुझाव हो तो। तेरा बॉक्स की पैकेजिंग काफी अच्छी थी। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है तो डेफिनेटली थोड़ा एक डाउट गया था कि प्रोडक्ट कैसा होगा या नहीं होगा, तो मैंने फिर इसे थोड़ा मैंने वहीं पर अनबॉक्स कर दिया था। तो ये दूसरी अनबॉक्सिंग है। आप ऊपर में यहाँ देख सकते हैं इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, नोट 4 लिखा गया है। यहाँ पे 32 GB और 3 GB यहाँ लिखा गया है, और साइड में भी आपको नोट 4 दिखता है, और इधर बाजू में भी इन्फिनिक्स, और इधर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, और इधर नोट 4 और इन्फिनिक्स। पीछे की तरफ देखूँ तो फिर यहाँ पर आपको मैं डिटेल दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको 5.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, और ये शार्प कंपनी ने इसका डिस्प्ले डिज़ाइन किया है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि आपको डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। डिस्प्ले आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। शार्प एक वेल नोन कंपनी है, एक टाइम पे ये अपने टीवी और LED स्क्रीन से बनाती थी, और इनफैक्ट आज भी बना रही है। और शार्प एक अच्छी ब्रांड है, तो आपको इसमें डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इसमें आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है MediaTek का। आपको इसमें कैमरा मिलता है, पीछे की तरफ 13 MP कैमरा और आगे की तरफ 8 MP। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिख जाता है। 2.5D टच पैनल इसमें आपको मिलता है, जो कि कर्व्ड ग्लास हम कह सकते हैं। जायरोस्कोप, 4300 mAh की बैटरी, 32 GB रोम और 3 GB रैम। इसमें इनका खुद का एक UI है, दैट इज वो है XOS, और एक्स चार्ज करके इसमें कुछ आपको एक टेक्नोलॉजी मिलती है, फास्ट चार्ज हम बोल सकते हैं, फिर क्विक चार्ज हम बोल सकते हैं। फ़ोन की प्राइसिंग आपको 9,999 रुपये दी गई है, लेकिन आप इसे फ्लिपकार्ट पे 8,999 में खरीद सकते हैं, और कुछ अभी आपको उसमें बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इनसाइड द बॉक्स हमें क्या देखने को मिलता है। तो हम जैसे ही ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्फिनिक्स, जी हाँ, ये हमको इन्फिनिक्स का यहाँ पे एक हैंडसेट दिखता है, और यहाँ देख सकते हैं इनके जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, एक्स चार्ज, 5.7 इंच फुल HD, शार्प का डिस्प्ले, 4300 mAh की बैटरी, 13+8 MP का कैमरा, और नोट 4 की यहाँ पे लिस्टिंग दी गई है। और हम पीछे की तरफ यहाँ पे जाएं और सबसे पहले हम देख लें, क्योंकि इसका कुछ बॉक्स अजीब तरह का है, आगे की तरफ डिटेल्स नहीं दिए, पीछे दिए गए हैं। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है, और एक्चुअली ये कन्फ्यूजन है केस के लिए और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए। तो ये केस है सिलिकन का, जी हाँ, आप इसको बेंड कर सकते हैं, ये प्लास्टिक या हार्ड केस नहीं है, ये सिलिकन का केस है। आपको यहाँ कुछ मैनुअल्स और कुछ वारंटी कार्ड्स मिलते हैं, मैं तो नॉर्मली इसे नहीं पढ़ता हूँ, इग्नोर ही करता हूँ, आप तो अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये है कोई टफन ग्लास नहीं, ये एक नॉर्मल प्लास्टिक फिल्म जो आता है वो है ये, जी हाँ, ये प्लास्टिक फिल्म है, तो कोई टफन ग्लास नहीं है ये। काफ़ी लोगों ने ग्लास प्रोटेक्शन पता नहीं क्या क्या बोला है। आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा डेटा केबल मिल जाता है, जो कि आपको बेसिकली हाई रेंज फोन्स में आपको दिखता है, फ्लैट केबल्स, और इसमें नॉर्मल USB केबल है ये, कोई इसमें सी टाइप आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है केबल की, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है केबल की, क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। और फ्लैट केबल्स दिए गए, नो डाउट क्विक चार्ज आपको दिया गया है, लेकिन सी टाइप नहीं है, नॉर्मल USB पोर्ट है। और यहाँ पर आपको एक मिलता है ट्रैवल एडाप्टर, इसमें आपको ईयरफोन्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो चलिए, ऑलरेडी एक्स चार्ज लिखा हुआ ही है, तो मैं सिर्फ एडाप्टर दिखा दूँ आपको। तो एडाप्टर कुछ यूँ दिखता है, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर आपको 5V to 9V का आउटपुट दिखता है 2 एम्पियर का, और यहाँ पर 9V to 12V और 1.5 एम्पियर, तो ये क्विक चार्ज यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो ये रही तो इनसाइड द बॉक्स की चीज़ें। चलिए हम इसे फटाफट से साइड कर लें और आगे डिवाइस की तरफ जाते हैं।
तो ये रहा डिवाइस। ये डिवाइस मैंने आइस ब्लू कलर में मैंने मंगाया था और इसमें कुछ फ्री अपग्रेड्स भी हैं, तो आपको एक या दो अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। तो जैसे कि ये दिखाया जा रहा है कि फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और काफ़ी अच्छी है। जो प्राइस वैल्यू में आपको फ़ोन दिया जा रहा है, उस प्राइस वैल्यू में आपको कोई भी कंपनी देने के लिए नहीं बैठी हुई है। और डेफिनेटली जो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SD, SIM 1, SIM 2, वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन। चलिए मैं इसे कवर को हटा लूँ पहले। ओके, तो ये काफ़ी शाइनी है, आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी है। और ये जैसे जैसे रोशनी इस पर पड़ेगी वैसे वैसे ये काफ़ी शाइनी है, काफ़ी अच्छा लगता है लुक एंड फील। ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी है। और यहाँ पे आपको एक फिल्म प्रोटेक्शन दिया गया है पीछे तरफ, शायद स्क्रैच से बचाने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ दी गई है यहाँ पे, इन्फिनिक्स नोट यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। एक कैमरा पे भी प्रोटेक्शन है, हम इसे भी हटा लेते हैं। और तो ओवरऑल मैं पहले आपको डिवाइस दिखा दूँ, तो डिवाइस का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक बिल्कुल भी चीप नहीं है। ऐसा नहीं फील होगा कि आप कोई चाइनीज या फिर कोई थर्ड पार्टी या कोई घटिया सी कंपनी का ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है डिवाइस का, प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने ये भी देखा था कि हाँ कलर वेरिएशन हैं, एक्चुअली कलर वेरिएशन नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जब इसे पील ऑफ किया ये कवर को, तो ये पोर्शन यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर गम नहीं लगा हुआ है और ये नीचे वाले पोर्शन पर गम लगा हुआ था। तो जिसकी वजह से जब आप पील करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको यहाँ पर कुछ डस्ट है, जिसकी वजह से काफ़ी वीडियो में बोला गया है कि कंपनी ने ध्यान नहीं दिया है कलर वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है। कलर वेरिएशन कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कलर है ऊपर से नीचे तक सेम टू सेम कलर है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में आपको काफ़ी नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्ड क्वालिटी ये पूरा का पूरा ये मेटल का बना हुआ है। यहाँ पर आपको पावर बटन दिखता है, पावर बटन जैसा लोगों ने बताया है कि काफ़ी मतलब ईजी टू यूज़, मतलब आप दबाओगे और फटाक से यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि आपके पॉकेट में ये दब जाएगा यूं ही। और अगर दब जाता है तो प्लीज़ ट्राई टू आप अवॉइड करें वहाँ पर हाथ ले जाने के लिए। इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि आप दबाओगे तो फिर ये फ़ोन ऑन हो जाएगा या फिर तुरंत दब जाएगा बाई मिस्टेक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये जो फ्रेम देख रहे हैं ये अलॉय का बना हुआ है। और नीचे की तरफ आपको माइक और स्पीकर और एक USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ दिख जाता है, और ये एक स्टैंडर्ड USB चार्जिंग पोर्ट है। और यहाँ पे पावर और वॉल्यूम कीज दिख जाते हैं, ऊपर की तरफ 3.5mm जैक दिख जाता है। इंफ्रारेड से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेड आई डोंट थिंक कि मैं अपना TV चालू करने के लिए मुझे अपना फ़ोन उठाना पड़ता है कि मैं फ़ोन चालू करूं और फिर मैं अपना TV को ऑन करूं या फिर अपने सेट टॉप बॉक्स को। डेफिनेटली रिमोट का काम रिमोट ही करता है, भले ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाएं, लेकिन ये डेली लाइफ में डेली डे टू डे यूसेज में आई डोंट बिलीव कि कोई यूज़ करता है। अगर आप में से कोई यूज़ करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये रहा, और फ्रंट में ये भी मैं हटा देता हूँ और मैं इसे अब बूट कर लेता हूँ। तो फ़ोन काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 2.5D आपको मिलता है और यहाँ पे आगे में फिंगरप्रिंट स्कैनर, नेविगेशन कीज़ हैं, दो डॉट्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख लें आप, यहाँ पे दो डॉट्स हैं और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखता है। तो इन्फिनिक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और इसका जो बटन है ये है बिल्कुल सैमसंग की तरह, वो आपको प्रेस करना होता है। तो XOS कैमेलियन डेफिनेटली काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है यहाँ पे दिखने में, और एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग। तो चलिए मैं फटाफट इसे सेटअप कर लूँ और फिर मैं आगे आपको डिटेल्स बताता हूँ। और तो फाइनली हमने अपने डिवाइस को सेटअप कर लिया है और ये XOS लॉन्चर यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है और मैं इसे स्टार्ट यहाँ कर देता हूँ। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखता है कुछ यूँ, स्लाइड टू सेलेक्ट थीम्स, मैं थोड़ा आपको नज़दीक दिखा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्लाइड टू सेलेक्ट थीम्स, और फिर यहाँ पर आपको देखते हैं कुछ ऐसे थीम्स यहाँ पे हैं, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम्स ले लें। और मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ थीम को, और मैंने फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे सेटअप कर लिया है। तो हम ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे, इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू आपको एक बाद में आने वाला है, वो मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे आ रहे हैं कुछ हिंट्स, पिंच टू हाइड ऑल डेस्कटॉप एप्स एंड विजेट्स। ओके, तो चलिए हमने ये तो कर लिया है, और इसमें आपको दिखता है कि एग्जैक्टली पहले वो मैं दिखा दूँ। यहाँ पर आपको कुछ जीमेल के एप्लीकेशंस दिखते हैं, गूगल के प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पावर, मैजिक मूवी, फिंगरप्रिंट, प्ले स्टोर, और यहाँ पे कुछ आपको कैमरास और ये सारी चीज़ों के डिफिनेशन यहाँ डिटेल्स मिल जाते हैं। और XOS फैमिलीज में आपको कुछ यहाँ पे कुछ सिस्टम अपडेट, यूज़र गाइड, वेदर, XA अकाउंट और XCloud,
ये सारे के सारे जैसे आपको MI के डिवाइसेस में दिखते हैं, इनका खुद का कुछ XOS फैमिली के कुछ एप्लीकेशन है। सोशल यहाँ पर एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम मैसेंजर कॉन्टैक्ट्स और पाम चॉट ये ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड यहाँ दिख रहा है। मीडिया में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और टूल्स में अगर जाए तो टूल्स में आपको कुछ यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशंस एक्सवेन सर्विस सिम टूल किट पाम प्ले ये सारे के सारे आपको यहाँ चीज़ें दिखती है। गैलरी एक्स क्लब एक्स शेयर एक्स थीम शफल क्लीनर व्हाट्सएप फेसबुक और फ्लिपकार्ट ये इतने एप्लीकेशंस आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखते हैं। तो चलिए हम पहले इसका फिंगरप्रिंट हम पहले चेक कर लें। हमने इसे लॉक किया तो इसमें एग्जैक्टली है क्या, इसमें आपको एक ट्रिक है, आपको इसमें प्रेस करना होता है तब जा करके ये खुलता है। तो बिना प्रेस किए मैं इसे वापस से लॉक करता हूँ। अभी वापस खुल रहा है, ओके मैं वापस से लॉक करता हूँ। तो ये अगर आप ऐसे ही सिर्फ यहाँ पे प्रेस रखोगे फिंगरप्रिंट को तो ये काम नहीं करेगा, आपको बटन दबाना होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसका ड्रॉबैक है, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पॉकेट से जब निकालने में फ़ोन में मोटोरोला का और काफ़ी सारे मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ जिनके फ्रंट में सेंसर्स हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो पॉकेट में निकालने की वजह से उस समय काफ़ी बार फिंगरप्रिंट वहाँ पे काम कर जाता है और फ़ोन ऑन हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा ये टेक्नोलॉजी कि आप यहाँ पे इसको दबाएं तो फिर ये ऑन होगा आपका, तभी फिंगरप्रिंट काम करेगा। अब आपका क्या इस पे सुझाव है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी क्विक काफ़ी फास्ट काम कर रहा है और काफ़ी फास्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। चलिए सेटिंग्स में हम देख लेते हैं। सेटिंग्स जाते हैं तो कुछ ऐसा हमको दिखता है, काफ़ी अच्छा काफ़ी न्यू लुक एंड फील हमको यहाँ देखने को मिलता है। स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखता है इंटरनल 32 GB जिसमें से 9 GB ऑलरेडी यूज्ड है और आपको 3 GB में से रैम 1.4 GB यूज़ दिखा रहा है जो कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपको MI का जो यूज़र इंटरफेस है वो सबसे ज़्यादा रैम यूटिलाइज़ करता है, तो उसके हिसाब से तो इसमें आपको बढ़िया मिलता है। और ये सारे के सारे कुछ यहाँ पर डिटेल्स हैं। अबाउट फोन में हम जाते हैं और यहाँ सिस्टम अपडेट में एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या कोई अपडेट आया हुआ है। ओके तो हमारे पास ऑलरेडी एक अपडेट आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको पैचेस अपडेट दिए गए हैं, कुछ फिक्सिंग्स किए गए हैं जो कि एरर्स थे इसमें, तो ये अच्छी चीज़ है। कंपनी आपको अपडेट भी दे रही है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई एक नई ब्रांड कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई है और वो आपको रेगुलर अपडेट्स भी दे रही है और डेफिनेटली आपको इसमें आने वाले एंड्रॉयड ओ भी देखने को आपको मिलेगा। ओके तो ये सारी चीज़ें तो रही इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग, इसका एक ओवरऑल आपको पूरा का पूरा एक रिव्यू आने वाला है, फुल एंड फाइनल रिव्यू। तो आप मुझे बताइए कि आप में से लोगों को क्या ये डिवाइस अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइए कि आपको इसमें अच्छा क्या लगा है। अभी एक और चीज़ मैं इसमें चेक कर लूँ, मैं ये अनबॉक्सिंग फिनिश करने से पहले मैं इसमें देख लूँ कि इसमें क्या सेंसर्स हैं यहाँ पे। नोटिफिकेशन लाइट, ये रहा मेरा पावर बैंक और मैं इसे यहाँ पे दिया कनेक्ट कर। ओके तो फाइनली मैंने कनेक्ट कर दिया है और मुझे कोई नोटिफिकेशन लाइट तो यहाँ नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक कि नोटिफिकेशन लाइट है इसमें, आई थिंक मुझे उसे इनेबल करना होगा, तो मैं एक बार देख लूँ यहाँ पे। ओके LED रिमाइंडर लाइट, ओके मिस्ड कॉल अनरीड मैसेजेस ये सब यहाँ पर हैं। और चार्ज में व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ एंड व्हेन द डिवाइस इज चार्जिंग द रेड LED लाइट इज स्टेडली ऑन, तो चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। और जी हाँ तो नोटिफिकेशन लाइट भी आपको इसमें दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। आप मुझे बताइए इस डिवाइस के बारे में आप क्या सोचते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो क्यों, इस डिवाइस में आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप बने रहे गैजेट फ्रिक के साथ, फुल एंड फाइनल रिव्यू आपको बहुत जल्द मिलेगा इस डिवाइस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।